कल अचानक से मुंबई में मौसम का मिजाज बदला और जिसका असर मुंबईकरों को बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ा। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए आईएमडी के डायरेक्टर सुनील कांबरे सर, कि किस तरीके से ये मौसम में बदलाव देखने को मिला, क्या इसके पीछे की वजह थी। सर, कल अचानक से एक डस्ट स्टॉर्म शुरू हुआ ऐसा कहते हैं, वो एग्जैक्टली था क्या और इसके पीछे की वजह क्या थी? हम लोग इसको अचानक से नहीं कह सकते, क्योंकि इसका पूर्वानुमान हमने पहले ही दिया था कि मुंबई में 13 तारीख या 14 तारीख को आफ्टरनून के समय में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। और जब भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है तो उस टाइम विंड का जो स्पीड होता है, विंड्स का स्पीड 40-50 किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन हमने कल देखा कि विंड का स्पीड मोर देन 70 किलोमीटर पर आवर था। और विंड स्पीड ज़्यादा होने के कारण जो भी लूज सॉइल वगैरह होती है वो उड़ने लगती है और हमें लगता है कि डस्ट स्टॉर्म, लेकिन ये जो फिनोमेना होता है वो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से होता है। सर, कोई स्पेसिफिक रीज़न थंडरस्टॉर्म आने का वजह था? ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, ये जो प्री मानसून सीजन होता है, जैसा आप देखते हो कि महाराष्ट्र विदर्भ में भी जैसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए जो वेदर सिस्टम होता है, जिसके लिए जो अपर ईयर के जो वेदर सिस्टम होती है उसमें विंड डिसकंटिन्यूटी होती है, जो विंड का पैटर्न थोड़ा सा चेंज, उसमें बदलाव आता है। और इसके वजह से ऐसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हमारे मुंबई, ठाणे और पालघर के ऊपर कल हो गई थी और आज भी थोड़ी सी आफ्टरनून में एक्सपेक्टेड है। सर, मतलब जैसी कल इसकी तीव्रता देखी गई थी, जो वेलोसिटी है, जो भी इसका था स्पीड, आज भी वैसे ही एक्सपेक्टेड है? और अगला फिर थंडरस्टॉर्म कब एक्सपेक्टेड है इस तरह का? आज थोड़ी सी आफ्टरनून में थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है, फिर कल ऐसे कोई संभावना आज के लिए दिखाई नहीं देती है। और जब भी ऐसी संभावना आती है, विद द हेल्प ऑफ रडार, जो हमारे रडार्स होते हैं उसके आधार पर हम 3-4 घंटे हम बता सकते हैं कि कौन सी एरिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का असर होने वाला है और वहाँ कितनी विंड स्पीड की गति कितनी हो सकती है, इसकी जानकारी 2-3 घंटे एडवांस में इसकी चेतावनी दी जाती है। सर, क्या मुंबई अथॉरिटी, जैसे मुंबई BMC, मुंबई पुलिस या जिस डिपार्टमेंट से आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कि कल के थंडरस्टॉर्म के बारे में, उसकी सीवियरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले शेयर की गई थी किसी डिपार्टमेंट को? यस, ये जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जब भी होती है तो ये जो एजेंसीज है लाइक स्टेट गवर्नमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेलवे, इनको इसकी पूर्व सूचना दी जाती है। और जब भी ये घटना होने की संभावना है उसके पहले भी SMS के द्वारा कि ये जो इंसिडेंस है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कौन से एरिया में हो सकते हैं और उसका असर क्या हो सकता है और आप लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना है, इसका पूरा इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट भी दिया जाता है। सर, कल के थंडरस्टॉर्म की सूचना कितने दिन पहले दी गई थी और उस पर क्या जवाब आया था? इसमें ऐसे जवाब नहीं आता है, लेकिन उनको एक्शन लेना होता है कि उनको पता चलता है, चेतावनी आई कि ऐसी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने वाले, अकॉर्डिंगली वो प्रिकॉशंस लेते हैं या पूर्व सूचना मिलने के कारण वो अपना जो भी एडवाइजरी जो भी है सूटेबल एडवाइजरीज इश्यू करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, मुंबई महाराष्ट्र में मानसून कब तक एक्सपेक्टेड है? मानसून का जो अराइवल है वो केरला में 1 तारीख में होता है और 1 तारीख में मानसून अगर समय पे आ गया तो हम सोच सकते हैं कि 10-11 तारीख तक मानसून मुंबई में आ सकता है, दस्तक दे सकता है। सर, कल जो एक्टिविटी हुई, क्या उसे प्री मानसून एक्टिविटी कहा जा सकता है? इसको जब भी अभी जो सीज़न चल रहा है उसको ही प्री मानसून सीज़न बोलते हैं और 1 जून से हम लोग बोलेंगे मानसून, लेकिन ये ज़्यादा गर्मी के कारण ऐसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी सामान्य है, ऐसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पहले भी मुंबई में हो चुकी है। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे कल की एक्टिविटी देखी गई थंडरस्टॉर्म की, आज भी आपने कहा कुछ हिस्सों में एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे समय पर लोगों को क्या करना चाहिए? जब भी ऐसी चेतावनी दी जाती है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की, तो आपको देखना है कि थोड़ा सा शेड के अंदर या इनसाइड अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर रहना है, लूज स्ट्रक्चर जैसे भी होर्डिंग्स होते हैं, लूज पत्रे होते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। थैंक यू सर। तो बिल्कुल इस तरीके के पूर्व अनुमान मौसम विभाग की तरफ से पहले ही लगाया गया था और इसकी सूचना भी जो संबंधित विभाग है उनको दे दी गई थी और साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि ऐसे समय पर वो पक्के स्ट्रक्चर से हैं, जो मजबूत स्ट्रक्चर हैं, उनके नीचे आश्रय लें। कैमरा बनाने के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक मुंबई।